بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لا تعداد انگت بے حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا
के मुख्तसर मगर जामे बयान करूं और एक एक लम्हा कीमती जानते हुए उससे मुकम्मल तौर पे इस्तफादा किया जा सके। सीरत इब्राहिम के हवाले से जुमातुल मुबारक का पहला हिस्सा होगा और फिर इसी हवाले से अल्लाह के घरों की अजमत और शान सीरत इब्राहिम का ही एक हिस्सा अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजमत और शान से नवाजा है। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने अपने खलील को जब भी आजमाया तो हर आजमाइश में मेरे खलील पूरे उतरे। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में अल्लाह से मांग मांग के इस्माइल लिया, आओ जरा मेरे खलीलुल्लाह की आजमाइशों का तस्करा करना चाहता हूं, हम जरा सी अल्लाह की आजमाइश से घबरा जाते हैं, अल्लाह के गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। आओ आज सीरत इब्राहिम से हमें यह हौसला और हिम्मत मिलेगी कि इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह ने कितनी आजमाइशों में डाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बुढ़ापे में मांग मांग के इस्माइल लिया और आप जानते हैं बुढ़ापे की औलाद बड़ी प्यारी हुआ करती है। ये तो किसी बाबे से पूछो जिसको अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद जैसी नेमत से नवाजा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा अता किया और बेटा अभी छोटा सा था, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर हो गए मेरे खलील इस बेटे को जो अल्लाह से मांग मांग के तूने लिया, तुझे बड़ी मोहब्बत है इसको और इसकी वालिदा को बीबी हाजरा को जंगल बियाबान में छोड़ाओ, कुर्बान जाऊं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। रब से ये नहीं पूछा अल्लाह क्यों फौरन बीवी को लिया बच्चे को लिया जंगल बियाबान में छोड़ दिया और फिर वो बीबी भी अजमत वाली बीबी हाजरा पूछती है कि मेरे सर के ताज हमें यहां किसके हवाले करके जा रहे हो। फरमाने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं तुम्हारे रब के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। ये कलिमात सुने कुर्बान जाऊं हाजरा तेरे ईमान पे, वो सुनहरी अल्फाज कहे कहा अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में हमें देके जा रहे हो तो फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा। ये था ईमान और आज भी यही बात समझाना चाहता हूं जहां पे रब की बात आ जाए ईमान तुम्हारा इतना पुख्ता हो कि मेरा रब मेरे साथ है तो फिर खुदा की कसम किसी किस्म की परवाह नहीं होनी चाहिए हाजरा अलैहिस्सलाम की तरह। छोड़ आए अभी और फिर वहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और यारो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तकलीफें सहते हैं आजमाइशें सहते हैं अल्लाह फिर उनकी जिंदगियों को नमूना बना देते हैं। ये बेटा बीबी हाजरा ने
इस्माइल को छोड़ा, प्यास लगी, पानी के लिए भागी, और भागते भागते जब दूर जाती तो पीछे से ये ख्याल होता बच्चे को कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, फिर वापस बच्चे के पास आ जाती। इसी तरह करते करते सात चक्कर लगाए, और वापस जब आई सातवें चक्कर पे इस्माइल ने एड़ी मारी, अल्लाह ने जमीन से पानी के चश्मे अता फरमा दिए, आबे जमजम अता फरमा दिया। बीबी आई, देखा पानी को तो फरमाने लगी जमजम का मतलब है ठहर जा ठहर जा, पानी ठहर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ से नहीं बल्कि पांव की एड़ी से जो पानी हमें अता किया वो आज भी शफा भी है, जिस्मानी शफा भी है, रूहानी शफा भी है। ना उसका जायका चेंज हुआ और ना ही उसकी रंगत चेंज हुई, आज भी वो पानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्योर पानी है, सबसे ज्यादा अच्छा पानी है। और इस पानी की बैकग्राउंड मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी है। अल्लाह फिर पांव को भी ये शर्फ बख्शते हैं जब बंदा अपने रब के लिए कुछ करने का इरादा कर लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और फिर यही जो सात चक्कर लगाए थे अल्लाह की रजा के लिए, हाजरा की तड़प होगी, उस ममता की तड़प देखो, उधर पानी के लिए भागती है, उधर बेटे की तड़प है। अल्लाह को इतनी पसंद आई कयामत तक के लिए, आने वाले लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निशान बना दिया कि जब भी मेरे बैतुल्लाह को जाओगे सात चक्कर लगाओगे, और जब सात चक्कर लगाओगे मेरे इस्माइल की याद आएगी, हाजरा की याद आएगी। हाजरा ने कहा था अल्लाह के लिए जब छोड़ के जा रहे हो हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े से जवान, इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से जवान हुए, और आपको पता है कि जब बच्चा जवान हो जाता है, गबरू हो जाता है, दौड़ने के काबिल हो जाता है, उस वक्त बाप की मोहब्बत उसके साथ और ज्यादा हो जाती है, उनसे और ज्यादा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे इब्राहिम इसके गले पे छुरी चला दे, आजमाइश देखो। पहली आजमाइश भी, दूसरी आजमाइश इसके गले पे छुरी चला दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मुख्तसर बात को समेटता जाऊं, बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं तेरे गले पे छुरी चला रहा हूं, तेरी क्या राय है? इसमें हमें यह भी सबक मिलता है कि बंदे को बड़ा अपने आप को नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम हो अपनी औलाद से मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के कुरान ने ये हमें ताकीद की है। अब बेटा भी नबी अर्ज करने लगे फंजुर माजा तरा, अब्बा जी जिस तरह अल्लाह का हुक्म है वैसे कर गुजरिए। और अर्ज की कि जब आप मेरे गले पे छुरी चलाने लगे अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, ये ना हो कि आप मेरे गले पे छुरी चलाएं, मैं तड़पूं और मुझे तड़पता देख के आप बाप की मोहब्बत जोश मारे, गली छुरी चलाते हुए आपका हाथ रुक ना जाए, कहीं अर्श वाला रब हमसे नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध लेना, मेरे गले पे छुरी चला देना, ये तदबीरें कर रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी पते की बता रहा हूं, जो बंदा तदबीर करता है ये भी अर्श वाले रब का ही एक अंदाज है, एक सबब होता है कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंखों पे पट्टी ना होती तो पता ना चलता, सामने होता कि मैं बेटे के गले पे छुरी चला रहा हूं या इस दुम्बे के गले पे छुरी चला रहा हूं। अल्लाह ने
ये भी इसबाब पैदा फरमा दिए और फरमाया अब्बा जी छुरी अच्छी तरह तेज कर लेना ताकि मेरा गला जल्दी कट जाए, अर्श वाला रब हमसे राजी हो जाए। ये कैसी कुर्बानी, कैसा इम्तहान, कैसी आजमाइश। ओ यारो, आज वो इब्राहिम था जिससे रब ने बेटे की कुर्बानी मांगी, उसने गुरेज नहीं किया। आज हमसे रब ने बेटों की नहीं बल्कि जानवरों की कुर्बानी मांगी। हम 100 किस्म के बहाने करते हैं कि हम जी मकरूज है, फला मसला है, फला मसला है। मकरूज होने के बावजूद शादी ब्याह के लिए, बाकी कामों के लिए, सब के लिए हमारे मामला चलते रहते हैं। यहाँ पे मसला असल में नियत में खोट होती है कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए और हम इस चीज से कोई रास्ता निकल आए। जब नियत साफ हो जाएगी, खुदा की कसमें फिर रब की रहमत हम पे साये फगन हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नेक नियति से बेटे के गले पे छुरी चला दी। और एक मसला यहाँ पे ये भी मैं आपके गोश गुजार कर दूं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई, आंखों से पट्टी हटाई तो देखा बेटा जिंदा सलामत खड़ा है और एक दुम्बे के गले पे छुरी चल गई है। उस रब पे कुर्बान जाऊं, जब इंसान के दिल में खलूस होता है, कुर्बानी का बंदा इरादा कर लेता है रब के लिए, खुदा की कसम, जब बंदा मर मिटने का इरादा कर लेता है, अल्लाह ताला उसको जिंदा जावेद बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम की कुर्बानी भी कबूल फरमा ली, बेटे को भी बचा के दिखा दिया। और जब सामने देखा बेटा भी जिंदा, दुम्बे के गले पे छुरी चल गई। मसला एक छोटा सा यहाँ पे समझा जाऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान एक पट्टी का सिर्फ एक आंखों पे पट्टी थी। खुदा की कसम मेरे इब्राहिम को पता नहीं चला कि मैंने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई है या दुम्बे के गले पे छुरी चलाई है। अगर पता होता तो फिर इब्राहिम की कुर्बानी कुर्बानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गले को ही काटा। अल्लाह ने इसी का दर्जा दिया, एक पट्टी के पीछे पता नहीं चला। और आज इतने इतने दावे करते हैं जी, हमसे जो चाहो सो पूछो, सब झूठ और फ्रॉड है। गैब का इलम सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। वलिल्लाहि गैबुस समावाती वल अर्ज, अल्लाह के अलावा गैब का इलम किसी के पास नहीं। कोई अटकल पच्चू लगा लेता है तो हम समझते हैं ये बंदा पता नहीं किस तरह, लेकिन सिर्फ गैब का इलम मेरे रब के पास है। एक पट्टी के पीछे पता नहीं चला। याकूब अलैहिस्सलाम के बिल्कुल साथ बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़ा, पता नहीं चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गैब का इलम है। इसके बाद ये आजमाइशें खत्म नहीं हुई। इब्राहिम वो इब्राहिम है कि जब आजमाइश इस तरह आई, आग में कूद गए। लोगों, मिंबर पे खड़े होके बात करना आसान है, बात बैठ के सुनना आसान है, पर रब्बे काबा की कसम है इब्राहिम की तरह आग में कूदना बड़ा मुश्किल है। उन औरतों ने मन्नते मानी इब्राहिम को जलाने के लिए, वहां पे ईंधन इकट्ठा किया और जब आग जलाई, मुअर्रिखीन लिखते हैं करीब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और फिर वो एक गोफिये में डाल के दूर से इब्राहिम को इस तरह घुमा के आग में फेंका। इतनी शदीद वो आग थी, लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि जिसको मिटा रहे हो उसको बचाने वाला रब अल्लाह अकबर बहुत बड़ा है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये अपनी तरफ से खत्म करके। और यारों, लोगों से ना डरा करो,
मेरे इब्राहिम की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, अकेले थे, अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत था, सारे मिटा के भी कोशिश करने के बावजूद भी मेरे इब्राहिम को मिटा नहीं सके, बल्कि इन्होंने फेंका। अल्लाह ने आसमान से ऑर्डर कर दिया, कुल या नारु कूनी बर्दा व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी हो जा, लेकिन खबरदार इतनी भी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम को सर्दी ही लग जाए। सलामा, सलामती वाली ठंडी होना। और यारो, जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उसका जरा जरा ख्याल रखते हैं, उसको जरा भी लू भी नहीं लगने देते, सर्दी भी नहीं लगने देते, उसके आराम का अल्लाह अर्श पे ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने आग को ऑर्डर किया, आग बर्दा ठंडी हो जा, बस सलामा सलामती वाली ठंडी होना, ज्यादा ठंडी ना होके मेरे खलील को सर्दी ना लग जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं। इब्राहिम ने जब अपने आप को मिटाने का इरादा कर लिया, अल्लाह ने बिछा के दिखाया, ये सारे हैरान और शिस्तर रह गए। जब देखा कि हम पलट के देखते हैं अपनी तरफ से, इब्राहिम को हम आग में फेंक गए, इतनी शदीद आग में कैसे बच सकता है। लेकिन जब मुड़ के देखते हैं, इब्राहिम जिंदा सलामत उस आग में से निकल के आ रहा है। उस अर्श वाले रब की असमत पे कुर्बान जाऊं, उस अर्श वाले रब की असमत को क्या कहने। आओ, आज भी यही सबक देना चाहता हूं यारो, घबराया नहीं करते। जब इंसान डर जाता है मेरे इब्राहिम की तरह, खुदा की कसम, आज भी अर्श से रब के फरिश्ते उतर के तेरी मदद करते हैं। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी वो बदर वाला ईमान पैदा कर, वो इब्राहिम खलील वाला ईमान पैदा कर। खुदा की कसम, आज भी आग गुलजार हो सकती है, आज भी आसमान से फरिश्ते कतार अंदर कतार उतर सकते हैं, आज भी तेरे ईमान का इम्तिहान है, आज भी कोरोना की कोई है हकीकत नहीं, तेरे ईमान का इम्तिहान है, आज मसाजिद को बंद किया जा रहा है, आज तेरे ईमान का इम्तिहान है, पहले से ज्यादा इम्तिहान है, आज बैतुल्लाह को बंद किया जा रहा है, आज तेरे ईमान का इम्तिहान है, आज कुर्बानियों से मना किया जा रहा है, आज तेरे ईमान का इम्तिहान है, आज इब्राहिम बन के दिखा, इब्राहिम की तरह डट जा। खुदा की कसम, आज भी वो अर्श पे रब मौजूद है जो तेरी मदद करेगा, और वहां से करेगा जहां से तेरा वहमो गुमान भी नहीं मिला। आओ, आज अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, और खुदा की कसम आज पूरी साजिशें हैं, इन साजिशों का हमें मुकाबला करना है, और उसके लिए अल्लाह के घरों को आबाद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी आजमाइशों के बाद मेरे खलीलुल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाइशें दे के बंदे को आजमाते हैं कि ये बंदा मेरे दीन के लिए काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। और जब वो कुंदन बन जाता है, अब इतनी आजमाइशों के बाद मेरे रब ने इब्राहिम से काम क्या लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने घर की, मेरे बैतुल्लाह की तामीर करो। और बाप मिस्त्री बना, इस्माइल बाप भी नबी बेटा भी नबी। और यारो, ये मामूली काम नहीं, अल्लाह जिसको आजमाइशों से गुजारते हैं, अल्लाह जिसको बार बार पसंद करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह उसे अपने घर का मस्जिद का काम लेते हैं। इब्राहिम को इतनी आजमाइशों के बाद अल्लाह ने अपने घर का काम दिया, फरमाया। और फिर ये बाप बेटा दोनों बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद कर रहे हैं। वयरफाउ इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, दोनों बाप बेटा अल्लाह का घर का तामीर की। और इसमें एक और सबक भी है, बाप भी नबी बेटा भी नबी, काम भी इतना बड़ा, अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर करो। इतना बड़ा काम लिया, लेकिन इतना बड़ा काम करके भी दोनों बाप बेटा के दिल में कोई तकब्बर नहीं आया, कोई गुरूर नहीं आया,
आज हम छोटी सी नेकी कर दें, हम समझते हैं कि बड़ा दिल के अंदर शैतान का बहुत बड़ी चाल है। दिल के अंदर इंसान के तकब्बर पैदा हो जाता है कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा मुत्तकी हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, ये पढ़ता नहीं है। ना ना मेरे भाई, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की हैं और फिर वहां पे खड़े होके आ दोनों हाथ अपने रब के सामने उठा लिए। रब का हुक्म था, अपने हाथों से बनाई, खलूस से बनाई, कोई मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी रब के सामने इस तरह झोली फैला दी, कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा ले। मेरे भाई हम भी कोई नेकी करें उसमें अकड़े नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, बल्कि उस रब का शुक्र करें। अल्लाह हम तो किसी काम के नहीं, न कम्मे हैं, अल्लाह तूने हमें अपने उन नेक बंदों में से बना दिया, आज तूने हमसे ये नेक काम ले लिया, हम क्या चीज हैं। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इन दाफिक, अल्लाह फरमाते इंसान अपनी हकीकत को देख, पानी के एक हकीर कतरे से तुझे मैंने पैदा किया, लेकिन अगर तू बंदा बन जाए फरिश्ते भी तेरी चौकीदारी करे, और अगर तू इंसान ना बने उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, फिर तू सुअर और कुत्ते से भी बदतर है। अगर तू मेरी बंदगी नहीं करता, मेरी बगावत करता है, और अगर मेरा बंदा बन जाता है तो फिर अर्श के अर्श से रब के फरिश्ते भी तेरी चौकीदारी करेंगे, तेरी पहरादारी करेंगे, लेकिन जब तू बंदा बन जाएगा। आज वहदैना हुन नजदैन, दोनों रास्ते हमारे पास दोस्तों मौजूद है, अल्लाह के घर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर का काम इन दोनों बाप बेटा से लिया। आज बड़ी साजिश के तहत कोरोना के नाम पे मसाजिद को बेआबाद किया जा रहा है और लोगों को यहां से दूर किया जा रहा है। लोगों को, इन कुफार को पता है कि इस्लाम के असल मरकज ये मसाजिद हैं, ये मदारस है, अगर इनको उजाड़ दिया तो फिर हमारी साजिश बिल्कुल हर तरह से हम कामयाब हो जाएंगे। आओ इसको समझने की कोशिश करें, हम इस हमारे अंदर शऊर पैदा होना चाहिए। और यारो जब मौत आई है तो मर के रहना है, और जब अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमारा एक बाल भी बीका नहीं कर सकती। इब्राहिम आग से अगर निकल सकते हैं, छलांग लगा के सारी दुनिया उस आग में जलाने के लिए इब्राहिम को तैयार थी, एक रब बचाने पे आया, रब ने बचा के दिखाया। और अगर हम भी अपना ईमान मजबूत कर ले, मैं कहता हूं अब पहले से ज्यादा जरूरत है अल्लाह के घरों को आबाद करने की। यारो आज सऊदी अरब में अल्लाह ने क्यों इनको बहारें लगाई, यही लोग जो बैतुल्लाह में आया करते थे उनको सत्तू घोल घोल के पिलाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, अल्लाह ने उनकी नस्लों को बहारें लगा दी, अल्लाह ने जमीन से सोना भी निकाल दिया, अल्लाह ने वहां पे वो चटियल मैदानों में से, उन रेगिस्तानों में से अल्लाह ने ये तेल के चश्मे, रोजगार के मौके अल्लाह ने अता फरमा दिए। वो जात है जो सब कुछ अता करने वाली, वो सबब को ही पैदा करने वाली। हम रोजी के पीछे, हम रिजक के पीछे तो भागते हैं लेकिन राजक को भूल जाते हैं। हम नमाज के वक्त नमाज को ख्याल नहीं करते, हमारा लालच दुनिया की तरफ होता है कि ये असबाब बन जाएगा। ये अपने ईमान का थोड़ा सा अपना मुहासबा करे, कहीं किसी वक्त अपने रब के साथ चल के तो देखे, एक तरफ गाक हो दूसरी तरफ नमाज का टाइम हो, खुदा की कसम आप गाक को छोड़ के दुकान बंद करें, कारोबार बंद करें, अल्लाह के हाँ हाजिरी देके, और साथ ये कहें अल्लाह ये तेरे सामने है लेकिन तेरी रजा के लिए, तेरी हैया अल सलाह हैया अल फलाह की आवाज आ गई है, अल्लाह मैंने ये छोड़ दिया, तेरे सामने झुकने के लिए जा रहा हूँ। सच्चे रब की कसम है, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ताला एक गा क्या अल्लाह ताला आपको पता नहीं कहां कहां से असबाब पैदा फरमाएगा। करके तो देखे, हम जहां पे डोल जाते हैं, जब ऐसी बात आती है इम्तहान, तो हम यहां पे लचक खा जाते हैं, और यही वो इम्तहान है जिसके लिए आज जरूरत है, और यही वो अल्लाह के घर है। एक ईंट देखें, सबने मर जाना है, एक ईंट कोई लगा जाता है तो क्यामत तक
उस एक ईंट का यहां से चला भी जाएगा, कब्र में चला जाएगा, उस एक ईंट लगी का इसको सवाब मिलता रहेगा। फर्श किसी ने डलवा दिया, जब तक यहां पे सजदे होते रहेंगे उसको कब्र में भी चला जाएगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। और यारो कोई कहता फलां जगह कीमती, फलां जगह कीमती, खुदा की कसम सब दुनिया में से सबसे कीमती मस्जिद वाली जगह है, अल्लाह के घर हैं। आज हमारे घर के अंदर कोई आके हमें ना, कोई मिस्त्री या मजदूर हमारे घर के लिए एक दिहाड़ी लगा दे और पैसे ना ले, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं कि यार इसने हमारे घर का ख्याल रखा है। और कोई बंदा अगर अपने रब के घर के लिए, यहाँ के लिए कुछ करता है तो वो रब तो बंदे को एक दफा नहीं बल्कि कई कई दफा उसके बदले देता है। तेरे मेरे मांगने में कमी है, उसकी अता में कमी नहीं। तेरी मेरी दुआ में कमी है, उसके अता में कमी नहीं। तेरे मेरे झोली फैलाने के अंदर, अल्फाज के अंदर कमी हो सकती है, अर्श वाले रब के खजानों के अंदर कमी नहीं है। अब भोले मुसलमानों, इब्राहिम अलैहि सलाम की सीरत हमारे सामने है, अपने ईमानों को मजबूत करो। और एक बात आखिरी बात करके बात को समेटना चाहता हूँ, कुर्बानी के हवाले से भी मुख्तलिफ साजिशें हो रही है कि जी नहीं यहाँ पे ये कोरोना है, वो कोरोना है। जो बंदा, और दूसरा हमारे शैतान एक ये कि तूने मकरूज है ये काम करना वो काम करना है, आप तजर्बा करें, मेरा तजर्बा है, आप भी तजर्बा करें। जो बंदा कुर्बानी करता है, और कुर्बानी ये नहीं कि उसके लिए तवज्जो से बात सुने, ये नहीं कुर्बानी कि यार मेरे रिश्तेदारों ने कुर्बानी ले ली है, अगर मैंने ना ली तो नाक नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती, इस ये नियत बना के नहीं, मल्ले में किसी ने लिया तो मैं ना लूंगा तो फिर इज्जत नहीं रहती, नहीं। सिर्फ खुदा की कसम, जिस तरह इब्राहिम ने अपने रब के लिए आग में छलांग लगाई थी, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई थी, अपने बेटे और बीवी को जंगल बियाबान में छोड़ के आ गए थे सिर्फ अपने रब के लिए, इसी तरह अपने रब को राजी करने के लिए ये नियत, सबसे पहली नियत ये करें। और ये नियत करके दूसरा कोशिश करें अच्छे से अच्छा जानवर, जितनी बल्ला ने पहुंचती तलाश करके अच्छा जानवर कुर्बानी आप कर दें, तजर्बा करें। पूरा साल अल्लाह ताला आपकी आपको खुशहाल रखेगा, ये तजर्बा करें, चाहे तांगो के कर्ज पकड़ के। लोग कहते हैं जी वो मसला है जी कर्ज पकड़ के, तो यार कर्ज पकड़ के हम कौन सा काम नहीं करते। अगर कोई कारोबारी बंदा है तो उसके लेन देन में तो कर्ज वैसे ही होता है, वो बहाने बना के बहाने खोरियां, शादी के लिए कर्ज, कोई फौत हो गया उसके लिए कर्ज, हर काम के लिए कर्ज पकड़ लेते हैं। लेकिन जब कुर्बानी की बात आई तो नहीं जी फिर वो मैं तो मकरूज हूं। الذين ينفقون في السراء والضراء, अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों की निशानी ये है, वो तकलीफ में भी खर्च करते हैं, तंगी हो माली फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह फिर उनको दुगने बदले अता फरमाते हैं। तंगी में जब आप ये कर लेंगे, यही तो आजमाइश है, यही तो इम्तिहान है, आप अल्लाह के रास्ते में ये कुर्बानी देंगे। लेकिन खुदा की कसम फिर बात को दोहरा रहा हूं, अपने दिल नियत को इतना साफ करें, अपने रब के सामने गिड़गड़ा के कि अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, अल्लाह मेरे असबाब बेहतर फरमा दे। खुदा की कसम इस कुर्बानी से लेके अगली कुर्बानी तक तेरे हालात ठीक रहेंगे, तू खुशहाल रहेगा, तमंगर रहेगा, अल्लाह तेरे जो कारोबार है उसको सलामत रखेंगे, उसमें जवाल नहीं आएगा, अल्लाह की रहमत तेरे सामने हार रहेगी। लेकिन फिर वही बात, बुनियाद यह कि नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए, इब्राहिम की तरह अल्लाह रब्बुल आसमान से हमारे लिए आज भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। आओ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपनी निजतों को साफ करने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखो अल्लाह जिसको बार बार पसंद करते हैं, हम जिसको बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं उसको कहते हैं यार मेरे घर आया कर, वो किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को अपने घर की दहलीज के अंदर दाखिल होने नहीं देते, के देते हैं
उसको हम दाखिल नहीं होने देते, उसी को दाखिल होने देते हैं जिससे हमें बड़ा प्यार है। सच्चे रब की कसम है, अल्लाह अपने घर में भी उसी को बुलाते हैं जिसको 70 दफा रहमत की नजर से देखते हैं। दुनिया नहीं, अल्लाह उसको अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमा देते हैं। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। और ये तो इसकी अजमत और शान है, अल्लाह इसको इतना पसंद करते हैं। और जिसने ये उसके घर को बनाया हो उसको अल्लाह कितना पसंद फरमाएंगे। जिसने इस घर की सफाई की हो, टाइम की किल्लत है, वगरना मेरे सामने ऐसी 100 मिसालें हैं कि बड़े बड़े अल्लाह के वली, बड़े बड़े उलामा, बड़े बड़े हमारे असातजा अपने हाथों से मस्जिद की सफाई किया करते थे। और एक हमारे उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, वो आमतौर पे वॉशरूम जो होते हैं उसको साफ करने से सारे तालिब इल्म कतराते थे, तो फिर वो खुद ही मुंह पे कपड़ा बांध के उनकी सफाई करते थे, किसी बच्चे को नहीं करने देते थे। कहते थे यहाँ अल्लाह के मेहमान आते हैं, अल्लाह के मेहमान आते हैं। फिर अल्लाह ने उनसे काम ये लिया, अल्लाह ने अपने कुरान की तफसीरें उस अल्लाह के बंदे से लिखवाई। कुछ करके तो देखें अपने रब के लिए। अकूल कौली हाजा, अस्तगफिरुल्लाह।